बहुत सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल चूने हिली पड़ी है सरकार की, सरकार कुछ भी कहती रहे के बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी रोए हैं ना संसद में, वो गुलाम नबी आजाद के लिए ना रोए, वो इसलिए रोए थे कि थोड़ी सी हमदर्दी तू भी गेन कर ले देश की, तू भी रो के देख ले। क्योंकि तो टिकैत भाई को तो मिला ना, उनके आंसू सच्चे थे, उनके आंसू सच्चे थे, वो किसान के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री जी हमारे 150-200 किसानों की शहादत पर होते तो उनके साथ भी वही हमदर्दी होती। एक आध साल में एक दो बार रो लेते हैं प्रधानमंत्री, तो बिना मतलब मुद्दा भी तो होना चाहिए रोने का, कुछ बात पर रोले तो किसी ना किसी बात से काम ना चलेगा, मुद्दे होते हैं रोने के। ये देखो ना मुद्दे में कितना फर्क है, वो रोए आंदोलन को बचाने के लिए, हमारे सिख भाइयों की पगड़ी ना उछले इसके लिए टिकैत भाई रोए, तो इसलिए देश उनके साथ खड़ा है। ना 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 ना, बिल्कुल अपने आप को नहीं, वो तो गिरफ्तारी दे रहे थे, मैं गवाऊं इस बात की भाई, वो गिरफ्तारी देने को तैयार थे। जब वे गुंडे आए ना नीचे, वो नंदकिशोर गुज्जर के और उसके वो सुनील शर्मा के, तब उन्होंने पिटाई करी उनकी, किसानों को उन्हें मारा जो हमारे सिख भाई थे, तब एकदम से पलटी खाई है उन्होंने। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे जाने के बाद यहाँ मारपीट होगी और यहाँ बेइज्जती होगी किसानों की। लेकिन मैडम सरकार का स्टैंड तो क्लियर है कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, क्या करेंगे आप बताएं? एक बात मैं बता दूं भैया, देख मेरी भी 50 साल उम्र होगी, आंदोलन तो मैंने भी अब देख ही लिए काफी सारे, 50 साल हो चुकी ना, बेशक ना लग रही हूँ पर हो चुकी, और मैं कई सारे आंदोलन देख चुकी और कई आंदोलनों में शामिल भी हो चुकी। ये अनुभव तो मेरा है कि सरकार को तो वापस होना पड़ेगा और कानून वापस लेने पड़ेंगे, ये हमारा भरोसा है पूरा। मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, घरेलू महिला हूँ, ये तो मेरा भी विश्वास है कि कानून तो कम हो रहे हैं आंदोलन। कहाँ कम हो रहे हैं, आपको नहीं लगा? ना बिल्कुल नहीं कम तो हो रहे हैं, ना ना पहले दिन से, बेशक देख मेरी बात सुन भाई, कम कम ज़्यादा का कोई वो नहीं होता, कोई वो नहीं है कोई इस चीज़ का कि जब हमारे खेतों में भी काम चल रहा है, इस समय गन्ने की वो चल रही है पश्चिमी यूपी में, पता ही है भाई, जब वो काम भी जरूरी है, पैसा तो वहीं से आ रहा है ना, खेती से ही, किसान जो खा रहा है पी रहा है यहाँ रह रहा है इतने दिन से, पिछले 2.5 महीने से, तो वो पैसा उन गांवों से ही तो आ रहा, जो गाजर का हलवा बना के भेज रहे हैं हमारे गाँव के किसान भाई तो भेज रहे, जो खीर भेज रहे हैं वे किसान भाई, क्योंकि रोटी तो खानी पड़ेगी ना, भूख से तो नहीं लड़ा जाएगा, पेट भर के ही लड़ा जाएगा, तो वो खेती भी जरूरी है करनी, कोई हमारे व्यापार तो चलना रहे, हम प्रधानमंत्री की तरह वो तो है नहीं, पीएम फंड बना दिया, पीएम केयर फंड दुनिया जी उसमें डाल रही है, रैश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किसान को तो कमाना भी तो है, तो यहाँ ऐसा रेशो बना दिया है किसानों ने कि एक भाई आएगा और एक भाई गाँव में जाके काम करेगा, एक रेशो बना दिया है, क्योंकि लंबा आंदोलन चलेगा, टिकैत भाई ने कहा अक्टूबर तक का समय दिया और आगे भी बढ़ सकता है, तो अगर जब आंदोलन इतने लंबे चलते हैं ना, तो फिर एक रेशो बनाना पड़ता है, सारी दुनिया एक साथ ना बैठ सकती है। आपको नहीं लग रहा आपको थका रही है सरकार? थका रही है तो हम थकने वालों में से लगे जिंदगी भर भाई, हम खेतों में काम करने वाले जो बैलों के साथ चलते हैं और वो मतलब फावड़ा लेके चलते हैं, हम थकने वालों में से नहीं। बैल बचे, अब तो ट्रैक्टर आ गए। अरे तो फिर भी अभी भी भाई बहुत है, तो ट्रैक्टर का अपने आप थोड़ी चल जाए, इतना डिजिटल इंडिया नहीं कर दिया है, अभी भी हाथों से ही चलाना पड़े, ट्रैक्टर के साथ साथ चलना पड़े, ट्रैक्टर खुद चलाना पड़े, तब थकने वाले भी नहीं है, हम किसान हैं, हम इन सरकार को थका के जाने वाले हैं सारी चीजें मशीन, और ऐसा ना हो कहीं के सरकार को अपने जूते चप्पल पहनना मुश्किल पड़ जाए, कहीं पीछे पैर ही ना भागना पड़े, उल्टे पैर जिसको बोलते हैं नंगे पैर। प्रधानमंत्री जी आपको कह रहे हैं आंदोलन जीवी परजीवी हो आप लोग, कोई हाँ हम परजीवी तो नहीं है मगर हाँ आंदोलन जीवी तो है, ये तो हम उनसे बोलेंगे कि हम आंदोलन जीवी है, परजीवी तो नहीं है, परजीवी तो हमारे मोदी जी हैं, हमें तो गर्व होता है कि हम आंदोलन जीवी हैं। कम से कम उन्होंने मजाक तो बनाने की कोशिश की किसानों का, पर वो ये भूल गए कि मोदी जी आप भी इस आंदोलन की मेहरबानी है कि आप इस देश में आज तानाशाह बने बैठे हो, अगर आंदोलनकारी ना होते ना हमारे देश में तो ये देश ना आज़ाद हुआ होता और ना आज आप यहाँ जो है ना ऐश कर रहे होते और ऐसे धज्जियाँ ना उड़ा रहे होते हमारे किसानों की संसद में खड़े होकर हैं। परजीवी हैं मोदी जी, क्योंकि आंदोलन से या उनसे धरातल से तो कोई मतलब है नहीं, किसी चीज़ से धरातल से कहाँ मतलब है, कहा जी गरीब परिवार से, फरी फकीर तो देख लो, देख लो ना पूरे देश को फकीर बना दिया, पूरे देश को फकीर बना दिया और खुद वहाँ जो है 1500 एकड़ की उसमें जो है
वहाँ देखो कोठी और अपने अलग से जो है प्लेन आ रहे हैं, इतनी बुरी तो स्थिति में संसद बन रहा है नया, क्यों भाई? तो आप लोगों ने पूरा ना पूरा क्या दिया हम लोगों ने? आप लोगों ने चुना प्रधानमंत्री, मतलब हम लोगों ने इसलिए चुना था तुम झूठ बोल के, और झूठ में अगर भोला भाला हमारा देश का जो नागरिक तुम्हारे झूठ में फंस गया तो इसका मतलब ये है कि उस पर अब ये भी आरोप लगेगा कि हमने चुना इसलिए? अब कर लियो, अब कर लेना ये राज। अब कहते हो झूठ बोलते, नहीं तो झूठ बोलते हैं पक्का पक्का प्रधानमंत्री। कितने जुमले, वो तो अमित शाह ने ही साबित कर दिया था कि हमारे तो जो है मोदी जी जुमलेबाज है, क्योंकि 15,000 का पहला ही वो दिया था ना, एक 15,000 का लालच, 15,000 15,000 खाते में आएंगे। तो ये बाद में अमित शाह ने क्या कहा था, ये मोदी तो जी तो सभी कह रहे हैं छोटे किसानों को पेंशन दे रहे हैं। हाँ, कहाँ दे रहे हैं? 2,000 रुपए। अच्छा, मतलब उनका जमीन, उनका सुनो मेरी बात सुनो, क्या भिखारी है क्या किसान? मतलब उनका जो MSP 1900 रुपए है धान की, उनका 800 रुपए में धान बिकवा के मोदी जी, है ना? क्या ना क्या 2,000 रुपए जब लिए, जब तक विरोध, क्या विरोध? कितनों को मिल रहे हैं वो 2,000 रुपए भी? कितनों को मिल रहे हैं 2,000 रुपए? और ना चाहिए किसान को, एक्सेप्ट ना है किसान को, भीख ना चाहिए किसान, तो अपने हक की चीजें मांग रहा है, हमें हमारा हक दे दो, MSP पे कानून बना दो। कहाँ दे रहे हैं वो तो रोज कहते हैं, तो मोदी जी के कहने से इतना होता ना, अगर मोदी जी का करनी और कथनी में फर्क ना होता, कुछ नहीं होता, वोट उनके बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ले ले, अब क्या ले लेंगे, हर बार अब दे रहे देख लेंगे, अब क्या देख लेंगे, अब तुम देख लेना आगे। पश्चिम बंगाल तो, में जीत रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जीतने दो, हम भी तो देखते हैं कितने जीत रहे हैं, डंके के चोट पे जीतने। और एक बात और बता दूं, साम दाम दंड भेद सारी चीजें करके जीतते हैं। EVM में घोटाला, 50 लोग इस चीज को प्रूव कर चुके, 50 इंजीनियर हमारे देश के EVM में घोटाला, किसी भी बटन पे नोटा पे भी दबाते हैं तो भी जो है कमल पे जाती है वोट। और चुनाव तो, आयोग को मना कर रहा है ना, चुनाव आयोग सारे जो है ना, जितनी भी बॉडी थी ना, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी थी, सबको भैया सबको खरीद लिया, सबको ऐसा बना दिया है, हमारे जज बिक गए। तो हर सरकार है ना, सुप्रीम कोर्ट का देख, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व खतरे में, और जो है ये हमारा चुनाव आयोग का भी। और अभी तो आपने एक बात नहीं पता, इस आंदोलन के बाद एक आंदोलन और होना अभी EVM पे, और फिर हम देखते हैं कैसे जीतते हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग काम ही आंदोलन करते हैं, तो क्यों ना हो, क्यों ना हो, देश तो चलता ही जो है भाई, लोकतंत्र में तो है ही, आंदोलन से ही चलता है, कुछ भी गलत करोगे हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। जनता के पास एक ही अधिकार, लोग आवारा हो गए, जनता के पास एक ही अधिकार तो होता है कि आंदोलन करे, वो अपनी आवाज जो सरकार तक पहुंचाए, और क्या है उसके पास बताओ, यही तो होता है अपने अधिकार की लड़ाई, तो लोग सड़कों पे लड़ते हैं। कहाँ पहुँच रही है, पहुंचेगी जिस दिन ये तीन काले कानून वापस हो जाएंगे, खत्म करो, आओ बातचीत करते, जिस दिन अगर मोदी जी को इतनी फिकर है ना कि आंदोलन को खत्म करवाना चाह रहे हैं, तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है कम से कम हमारे MSP पे जो है कानून बना दो, और ये तीन काले कानून वापस ले लो। देखो MSP पे कानून तो लाना पड़ेगा, क्योंकि सुनो मेरी बात, MSP का आप असर देखो, MSP वहाँ है पंजाब और हरियाणा में, MSP है पंजाब हरियाणा में, हाँ, तो वहाँ के किसानों की हालत देख लो और बिहार के किसानों की हालत देख लो, क्योंकि वहाँ APMC मंडी खत्म कर दी ना, मांगा हरियाणा पंजाब के, तुम्हें तो मंदिर चाहिए ना, तो मंदिर दे रहे हैं मोदी जी, ऐसा है किसी ने मंदिर ना मांगा था पंजाब के, मोदी जी से मंदिर का, मोदी जी से ये नहीं कहा था कि मंदिर दे दो तो हमारे जो है हमारी रोटी छीन लो हमसे, मैनिफेस्टो में तो था कि मंदिर बनाएंगे, तो ये तो नहीं था उनके मैनिफेस्टो में कि मैं किसानों से उनकी रोटी छीन लूंगा, है ना, उनकी भूख का भी हिसाब किताब रखूंगा और जो है तिजोरी में बंद करवा दूंगा अनाज को, ये तो नहीं था, और उनके गोडाउन बनवा दूंगा अंबानी अडानी के, ये तो नहीं था। कांग्रेस का भी काम कर रहे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, अरे भैया ये सारे मिले हुए कांग्रेसी के कम है, कांग्रेस ऐसी ना होती तो इन्हें क्यों लाते, अगर कांग्रेस किसी दिन की होती तो इन्हें क्यों लाते, कांग्रेस किसी मतलब की नहीं थी तभी तो इन्हें लाए थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है, कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई तो आएगा, एक पार्टी है किसानों की, राष्ट्रीय लोकदल, उसे तुम वोट देते नहीं, देंगे इस बार देखना, इस बार बिल्कुल बिल्कुल देंगे, क्योंकि देख लिया इन हरामखोरों को जो इन्होंने झूठ बोल बोल के ना और देश को गुमराह कराया ना, और जो देश का सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया देश को, प्राइवेटाइजेशन कर दिया पूरे देश का, प्राइवेट उनसे कंपनियों से देश ना चले करते, देश चलते हैं सरकारी संस्थानों से, वो तो इन्होंने सारे बेच दिए, कुछ भी तो नहीं छोड़ा आज तक, कोरोना 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 का नाम लेके ट्रेन आज तक बंद कर रखी है, क्या मतलब है कोरोना, कहाँ दिख रहा कोरोना, ये 2.5 महीने से बैठे
दे, ढाई महीने से किसान यहाँ बैठा है, किसने मास्क लगा रखा मुझे बता दो, किसको कोरोना हुआ आज तक? हमारे किसान आत्महत्या से मरे हैं, ठंड से मरे, लेकिन कोरोना से कोई नहीं मरा। ये झूठ है, फरेब है बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन बेचनी है ना इन्हें, देश का फायदा ना करना इन्हें, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बारे में सोचना है और इन्हें अपने उद्योगपति और पूंजीपति भाइयों के बारे में सोचना है। भाई इस प्रधानमंत्री को किसी की ना पड़ी, इसे तो पूंजीपतियों को रईस बनाना है और ऐश करनी है, चुनाव जीतने बस।